दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। आज अंबाला में युवा ओबीसी ब्रिगेड अंबाला के बुलावे पर कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी पहुंचे। इस स्वागत समारोह में सैनी ने लोगों को संबोधित किया और कहा, आरक्षण पर सबको एकजुट होना पड़ेगा और उनसे जुड़ना होगा। राजकुमार सैनी ने कहा कि वो चाहते हैं कि आरक्षण 5 लाख से कम कमाने वाले लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि 25% बैकवर्ड समाज के लोग आज थानों में काम कर रहे हैं। अगर जाट समुदाय का थानेदार लग भी रहा होगा, उसे और लोगों के होने का भी भय रहेगा। यदि आरक्षण ऐसे ही दिया गया तो किसी को भी पीटकर अंदर दे दिया जाता रहेगा। यदि थाने में अलग अलग जाति के लोग होंगे तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, जिनके हाथ में हमेशा सत्ता रही, उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है। जो सभी की भाव है वो ये है कि राजकुमार सैनी ने हमेशा जाति के खिलाफ आवाज उठाई है, प्रेशर के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं आज भी वही बात कही कि जो लोग सत्तासीन रहे, जिन लोगों के पास अच्छी लैंड होल्डिंग है, जिन लोगों के पास अच्छे कारोबार हैं, जिन लोगों के पास प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत मजबूत हाथ है, जिनके हाथ में हमेशा सत्ता रही है, वो किससे रिजर्वेशन मांग रहे हैं। अगर रिजर्वेशन की उनको इतनी जरूरत पड़ी तो वो अपने उन लोगों को आगे बढ़ाएं कि जिनको वाकई आरक्षण की जरूरत है उनको लिया जा सकता है। अम्बाला से हरीश कुमार की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।